सुआ को सिंहुन गले लगा लेता है। जियो ये देखकर चला जाता है। सुआ घर जाती है और जियो को कॉल करती है, पर उसका फोन नीचे गिर गया था। जियो जांगदो के पास आता है और वो आज यहीं सोएगा बोलता है। जांगदो तुम्हारा चेहरे पर क्या हुआ है पूछता है, पर वो नहीं बताता है। अगले दिन सुआ बाहर जियो का वेट कर रही थी। वो उससे नहीं मिल पाती है। जियो स्कूल जाता है। सिल्वर टीचर तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है पूछते हैं, पर जियो कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। सुआ क्लास पर जियो का कर रही थी। वहाँ सिंहुन आता है और बात कर रहे थे, तभी वहाँ जियो आता है। हाजिन पूछता है कल रात तुम कहाँ थे, रात में प्रैक्टिस खत्म होने के बाद घर नहीं गए, पर वो नहीं बता रहा था। युनसो बोलता है अगर ये सिर्फ पड़ोस के होते तो इसके हाथ पर चोट लगी हुई होती, इसके चेहरे पर नहीं। तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सुआ आती है और कल रात वो गुंडे फिर से मेरे घर आए थे पूछती है, और तुम अपना फोन वहीं गिरा दिए थे, वो ले लेता है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। युनसो गुस्से में था और सुआ को जाने के लिए बोलता है। सिंहुन आकर उनको सुनाने लगता है, मुझे पता है कि लड़ना तुम्हारा स्पेशलिटी है। युनसो बोलता है ठीक है, क्या मैं तुमको दिखा सकता हूँ हम अपना प्रॉब्लम को ठीक से कैसे संभाल सकते हैं। हाजिन युनसो को शांत रहने के लिए बोलता है। नेक्सिन बॉयबैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, पर जियो का मूड नहीं रहता और वो वहाँ से चला जाता है। जांगदो अकेले रहने दो बोलता है, वो अभी भी ठीक कंडीशन में नहीं लग रहा है। जियो घर आता है और प्रैक्टिस कर रहा था पर उसका मन नहीं था। सुआ उसके पास आती है और तुम ठीक हो पूछती है, तुम्हें चोट लगी हुई है। वो ठीक है बोलकर जा रहा था, उसे रोकती है और वो दोनों अपना अपना रूम वापस आ जाएंगे बोलती क्या है। तुम मुझ पर किसी बात को लेकर गुस्सा हो। जियुक मैं क्यों गुस्सा होऊंगा बोलता सुआ है। बोलती है मुझे लगता है तुम मेरे वजह से पिट गए हो, चलो जल्दी रूम एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट सीन वॉकिंग सब लड़कियां से लड़ रही फिर मारपीट स्टार्ट हो जाती है। हाजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, वो देख लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देता है, फिर जाकर वो रोकता है। जियुक रूम चेंज कर रहा था तभी हाजिन कॉल करके वॉकिंग के बारे में बताता है, उसे बुलाता है, वो चला जाता है। इधर सब लड़ रहे थे, जियुक आकर उनको रोकता है। अगले दिन स्कूल पर सुआ के पापा के बारे में बात कर रहे थे। जुंगमारा सिंहुन को देखने के लिए बोलता है, वो देखता है। नेक्सन सब खेलने आए थे। प्योजो सुआ को जियो के तरफ धकेल देता है और दोनों रूफटॉप कपल दोनों साथ में अच्छे लगते हैं बोलता है। उनका मजाक उड़ाता है। जियो गुस्से में था और उसे बॉल से मारता है। प्योजो चिल्लाता है टीचर क्या हुआ है पूछते हैं। जियो मेरे हाथ से स्लिप हो गया और सॉरी अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा बोलकर चला जाता है। सुआ रो रही थी, सब उसकी मजाक उड़ा रहे थे। डियोमी उनको चुप रहने के लिए बोलती है और तुम लोग नहीं सुने, सिंहुन बोला था सुआ उसकी गर्लफ्रेंड है, पर वो स्टूडेंट तुमने नहीं सुना, सुआ जुंगसान की टू टाइम है। डियोमी उन पर चिल्लाती है, सुआ उसे रोकती है, ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम लोग सोचते हो, मेरे पापा जेल गए हैं और वो रूफटॉप रूम में रहती है और सिंहुन मेरे से डिफरेंट क्लास का है, हम दोनों साथ में नहीं है। सिंहुन आता है और सुन लेता है। वो जाकर जियुक से बोलता है तुम्हारे वजह से सुआ के लिए चीजें और खराब हो रही है और तुम जाकर सबको बताए हो तुम और सुआ रूफटॉप रूम में रहते हो। जियुक बोलता है क्या गलत है जो सच है। सिंहुन गुस्सा हो जाता है। जियुक बोलता है तुम स्कूल में सबसे बहुत सारे सीक्रेट छुपा कर रखे हो। सिंहुन वो बात अलग है पर ये सब में सुआ को बीच में मत लाओ बोलता है, वो उस जगह में रह नहीं पाएगी। जियुक मैं क्यों ऐसे करूंगा क्योंकि हम दोनों ही रूफटॉप रूम में रहते हैं, वो अपना सिचुएशन सबको क्यों बताएगा, पर उसके वजह से तुम एम्बैरस्ड हो गए। सुआ क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करती है और तुम स्कूल के सब स्टूडेंट के जैसे ही हो, सो तुम्हारे फ्रेंड्स को ढूंढो वही बोले होंगे बोलकर चला जाता। नेक्सन प्योजो और जुंगमारो प्रैक्टिस रूम में रहते हैं, तभी सिंहुन और उस पर गुस्सा था, मैं तुमको अभी अपना फ्रेंड मानता हूँ, वो अभी भी खड़ा है पर वो अब और नहीं रहूंगा बोलता है। सुआ को परेशान करना बंद करो, प्योजो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बोलता है, पर सिंहुन फाइनल वार्निंग है बोलता और चला जाता है। अब जुंगमारो मारता है सही लगता है। रात में सिंहुन सुआ का वेट कर रहा था, वो काम खत्म करके बाहर निकलती है, वो उससे मिलता है और तुम सिंहुन की गर्लफ्रेंड नहीं हो, सबके सामने कैसे डंप कर दी बोलता है। सुआ उससे सॉरी और सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इसीलिए सबको बता दी बोलती है। दोनों बात कर रहे थे पर सुआ तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो बोलती है। सिंहुन रॉक फेस्टिवल आ रही हो पूछता है, वो हाँ बोलती है। नेक्सिन बॉयफ्रेंड प्रैक्टिस कर रहे थे। जियुक युनसो को और प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और चला जाता है। अगले दिन युनसो क्लास नहीं आया था, टीचर क्यों नहीं आए हैं पूछते हैं। आज इंग्लिश एग्जाम है बोलते हैं, पर युनसो अपना प्रैक्टिस कर रहा था, उसे कॉल कर रहे थे पर वो नहीं उठाता है। टीचर दोनों ग्रुप को बुलाकर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे और टीचर बहुत खुश थे, पर टीचर एक ग्रुप को भेजने वाले थे बोलते हैं,
सिंहुन का ग्रुप ही जीतेगा बोल रहे थे, पर सिल्वा टीचर आई कैंडी ग्रुप सेकंड प्लेस में और सैंडविच ग्रुप फोर्थ प्लेस में है बोलते हैं। दोनों ग्रुप को ही भेजते हैं, रात में बॉयबैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब वो लोग ब्योंगे के लिए कर रहे हैं बोलते हैं। जियुक जा रहा था, सुआ उसे बुलाती पर है। वो नहीं सुन रहा था। तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है पूछती है, प्रैक्टिस कैसे चल रही है। जियुक कल आ रही हो पूछता है, वो हाँ बोलती है और दोनों ग्रुप को चेयर अप करेगी। और जियुक को तुम्हारा वॉइस जैसे और किसी का वॉइस है पूछती है, वो नहीं जानता है बोलता है। सुआ बोलती है सिंहुन का सॉन्ग जिसने गाया है वो तुम्हारा वॉइस जैसे है, उसे सुनाती है ये जियो का था। जियो ये सॉन्ग अच्छा लगा पूछता है, वो हाँ बोलती है। ये वॉइस अलग है और उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर दोनों सॉन्ग सुनते हैं और घर जाते हैं। अगले दिन रॉक फेस्टिवल रहता है पर युनसो नहीं आया था। युनसो की बहन की तबीयत खराब रहती है, उसे लेकर जा रहा था। फिर वो कंपटीशन आने के लिए आ रहा था। स्ट्रॉबेरी ग्रुप का म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, सब इंजॉय कर रहे थे और इधर ह्यूनसो आ रहा था। तभी सामने में गाड़ी आ जाती है, वो साइड में गिर जाता है और उसकी उंगली में लग जाता है। उस गाड़ी में ये रिम रहती है और उसे ठीक हो पूछते हैं। ह्यूनसो उसे देखता है और चला जाता है। आई कैंडी ग्रुप टेंशन में रहते हैं, तभी वो आता है। वो सब स्टेज में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं, पर ह्यूनसो का उंगली में लग गया था, फिर भी वो बजाता है। उसका ब्लड निकल रहा था, ये रिम ह्यूनसो को देख रही थी, उसे बहुत पेन हो रहा था। जियुक देख लेता है और उसे रोकता है। ह्यूनसो वहां से चला जाता है, फिर भी वो सब सॉन्ग कंप्लीट करते हैं। अब ये रिम सॉन्ग गाती है, फिर विनर अनाउंसमेंट होती है। स्ट्रॉबेरी ग्रुप जीत गया था। सिंहुन सुआ को देख रहा था पर वो जियो को ढूंढ रही थी। हाजिन ह्यूनसो को बोलता है तुम्हें चोट लगा है फिर भी तुम क्यों बजा रहे पर थे। ह्यूनसो का मूड ऑफ हो गया था और जियो कहाँ है पूछते हैं। किमजंग बोलता है हम सबसे वो काल मिलेगा बोला है, पर ह्यूनसो को बहुत बुरा लगता है। स्ट्रॉबेरी ग्रुप अब पार्टी करेंगे बोलते हैं। सिंहुन जा रही हो पूछता है, डियोमी हाँ बोलती है। सिंहुन तुम नहीं सुआ बोलता है, सुआ बोलती है तुम लोग जाओ मुझे कुछ काम है और चली जाती है। ये रिम ह्यूनसो को ठीक हो पूछती है पर वो बहुत गुस्से में था और जा रहा था। उसे वो सॉरी बोलती पर है, वो सॉरी बोलने से क्या होगा, क्या तुम और एक बार परफॉर्मेंस करने दे सकती हो बोलता है। मैं अपने फ्रेंड को लास्ट गिफ्ट देना चाहता था लेकिन अब तुम चुप रहो और चली जाओ बोलकर चिल्लाता है। हाजिन ह्यूनसो की तरफ से सॉरी बोलता है और चला जाता। नेक्स्ट सीन जियो छत के ऊपर था, उसे सुआ देखती है और वहाँ क्या कर रहे हो पूछती है। नीचे आओ बोलती है पर वो नहीं आता है और ब्योंगे के बारे में सोच रहा था। सुआ भी ऊपर आती है और चलो नीचे बोलती है। जियुक तुम्हें डर लग रहा है तो तुम क्यों ऊपर आई बोलता है। सुआ बोलती है क्योंकि तुम नीचे नहीं आ रहे थे इसीलिए। जियुक मेरे मरने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम यहाँ क्यों आई हो बोलता है। सुआ बोलती है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जियुक उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।